एक्सपोनेंशियल लिमिट के बाद जो हमारी थर्ड स्टैंडर्ड लिमिट है वो है लघु गणकीय सीमा, लघु गणकीय सीमा, लघु गणकीय सीमा यानी कि हम इसको बोलेंगे लॉगरिथमिक लिमिट। लघु गणकीय सीमा या लॉगरिथमिक लिमिट अगर इसमें देखा जाए तो इसमें एक स्टैंडर्ड लिमिट जो यूज होती है वो कौन सी होती है, इसमें होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो और ln ऑफ 1 प्लस एक्स बाय एक्स और इसका जो मान आएगा बेटा वो 1 आएगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है पहले उसको समझें, फिर हमको क्या करना है वो भी समझना होगा। ठीक है, तो पहली चीज जो हमको समझनी है, देखो कि अगर हम लिमिट डालते हैं यानी x का मान वो डाले हैं तो ये किसी ना किसी अनिर्धारणीय रूप में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनिर्धारणीय रूप अगर आता है वो चाहे शून्य बटे शून्य का हो, अनंत बटे अनंत का हो, ठीक है ना, तो अगर ऐसे किसी भी रूप में वो जा रहा है तो हम क्या करते हैं कुछ मानक सीमाओं की मदद से और कुछ मेथड्स की मदद से उसका निर्धारण करते हैं कि आखिर सीमा का मान क्या होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पर, तो जैसे मैं x का मान शून्य डालूंगा तो ln 1 क्या बनेगा, शून्य बनेगा, और एक्सटेंडिंग टू जीरो पर नीचे जो आपका हर है वो भी क्या बनेगा, शून्य बनेगा। तो निश्चित तौर पर ये शून्य बटे शून्य का रूप बन रहा है और इसका जो मान आता है वो क्या आता है, 1 आता है। अब यहां आपको समझना क्या है कि देखिए लॉग के अंदर शून्य कौन बना रहा है, लॉग के अंदर शून्य बनाने की जो जिम्मेदारी ले रखी है वो इस 1 प्लस एक्स ने ले रखी है। ठीक है ना, यहां पर एक अवयव होता है जो किसको अप्रोच करेगा, शून्य को अप्रोच करेगा, और ये जो लॉग है ये किसको अप्रोच कर जाएगा, 1 को। तो बेसिकली देखा जाए तो लॉग के अंदर जो अंक, जो पूरा व्यंजक एक की तरफ जा रहा है, कब आपने लिमिट दिया, मान लीजिए मैं कहूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए है, ठीक है, अब मैंने आपसे बोला ln ऑफ f ऑफ x है, ठीक है, तो क्या है कि आपका जब x का मान a की तरफ जा रहा है तो आपका जो f ऑफ x का मान है वो किधर जाना चाहिए बेटा, 1 की तरफ जाना चाहिए, तभी तो लॉग के अंदर क्या बनेगा, 1 बनेगा, और लॉग के अंदर 1 बनने का मतलब लॉग जो देगा वो आपको आउटपुट शून्य दे देगा। ठीक है, और जो भी इसके अंदर रखा हुआ है उसमें से माइनस एक करना है, यानी यहां पर आपके पास होना चाहिए एफ ऑफ एक्स माइनस 1, तो ये आपका जो आउटपुट निकालेगा वो क्या निकालेगा, 1 निकालेगा। तो जनरली इसको सोचने का तरीका कैसा हुआ कि आपको कहना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए है, एलएन के अंदर जो भी अवयव होगा उसे कहां जाना होगा, 1 जाना होगा, और जब वो 1 जाएगा, कब, एक्सटेंडिंग टू ए पर जब वो 1 जाएगा तो हमें नीचे क्या चाहिए स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए, वो जो अवयव या जो व्यंजक फलन आपने दिया है लॉग के अंदर उसका माइनस 1 करना पड़ेगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स कहां जा रहा है, 1 जा रहा है, तो हमें नीचे भी क्या बनाना है, शून्य बनाना है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस 1 करना है। ठीक बात, अब इसको एग्जांपल के तौर पर अगर अपन समझे, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ठीक है ना, और मैंने आपको दे दिया ln ऑफ 1 प्लस 7x, और आधार में मैंने दे दिया मान लीजिए e की पावर 3x माइनस 1। ठीक है, अब देखिए जब एक्सटेंडिंग टू शून्य जाएगा, x का मान जब शून्य की ओर अग्रसित होगा, ठीक है, तो यहां क्या होगा, ये जो 7x है 7x ये भी शून्य की ओर अग्रसित होगा, यानी जो 1 प्लस 7x है वो मान किधर अग्रसित हो जाएगा, 1 की तरफ। 1 प्लस 7x का जो मान है वो 1 की तरफ अग्रसित होगा, और जैसे ही वो 1 की तरफ अग्रसित होगा तो लॉग का मान शून्य की तरफ अग्रसित होगा, यानी आपका जो अंश आ रहा है वो शून्य की तरफ अग्रसित होता हुआ आ रहा है। ठीक है ना, ये शून्य हुआ नहीं है क्योंकि हम x को कहां ले जा रहे हैं, शून्य की ओर ले जा रहे हैं, हमने x का मान शून्य नहीं रखा है। इसका मतलब अगर x का मान शून्य होगा तो 7x का मान भी शून्य की तरफ जाएगा, और उस वजह से 1 प्लस 7x का मान 1 की तरफ अग्रसित होगा, और मैं बोलूंगा log का जो मान है, ln का जो मान है वो भी शून्य की ओर अग्रसित होगा, यानी आपका अंश शून्य बन रहा है। अच्छा, नीचे देखें तो मैंने यहां पर एक एक्सपोनेंशियल लिमिट लगा दी है, चर घातांकी सीमा, कैसे, अगर एक्सटेंडिंग टू जीरो डालोगे तो 3x का मान शून्य की ओर अग्रसित हो जाएगा, और अगर ये शून्य की ओर अग्रसित हो जाएगा तो ये मान भी पूरा का पूरा हर भी शून्य की ओर अग्रसित हो जाएगा। तो हम कौन से फॉर्म में चले गए, शून्य बटे शून्य में। अब शून्य बटा शून्य है क्या, शून्य बटा शून्य एक अनिर्धारणीय रूप है। अब अगर ये अनिर्धारणीय रूप है तो हमको स्टैंडर्ड लिमिट का इस्तेमाल करना है। स्टैंडर्ड लिमिट क्या कहती है कि अगर आपको लॉग वाली लिमिट का इस्तेमाल करना है,
ध्यान से देखना बेटा, तो ln ऑफ 1 प्लस 7x में कौन 1 बना रहा है? ये 1 प्लस 7x 1 बना रहा है। तो हमें नीचे क्या चाहिए? हमें जो अंदर रखा हुआ है log के अंदर उसका माइनस 1 चाहिए। इसका मतलब मुझे नीचे क्या देना पड़ेगा बेटा? एक 7x देना पड़ेगा। 1 प्लस 7x में से माइनस 1 करा तो नीचे क्या देना पड़ेगा? 7x, यानी जो भी यहां पर अवयव है उससे एक कम, 1 यूनिट कम करना है, माइनस 1 करना है। तो 1 प्लस 7x माइनस 1 कर लिया यानी 7x आ गया। अब चूंकि मैंने 7x क्या करा, खुद से नीचे लगाया है हर में, तो अंश में इसको गुणा भी करना पड़ेगा ताकि हमारा व्यंजक जो है वो अपरिवर्तनशील रहे, उसमें कोई चेंज ना आए, ठीक है ना। अब यहां पर 7x आ गया, नीचे कौन बैठा हुआ था बेटा? e की पावर 3x माइनस 1 बैठा हुआ था। एक्सपोनेंशियल लिमिट अगर आपको याद है तो वो ये कहती है जो भी e की घात में है, जो भी e की घात में शून्य बना रहा है वही हमें उसके हर में चाहिए। इसका मतलब e की पावर 3x माइनस 1 को बचाने के लिए मुझे एक 3x ऊपर देना पड़ेगा और एक 3x नीचे देना पड़ेगा। बोलो यहां तक बात क्लियर हुई? अब देखिए स्टैंडर्ड लिमिट कैसे वर्क करती, ठीक है ना। स्टैंडर्ड लिमिट कहेगी आपसे कि ये वाला जो अवयव है ये आपका एक बनने को तैयार बैठा हुआ है, ठीक बात है ना। और e की पावर 3x माइनस 1 और ये जो 3x है ये भी क्या बनने को तैयार बैठा हुआ है? ये भी एक की ओर जाने को तैयार बैठा है। और x और x जो है ये आपस में कट जाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा? 7/3 इंटू 1 इंटू 1, यानी आपका फाइनल आंसर कितना आ गया? 7/3 आ गया। तो लघुगुणक सीमाओं को अगर आपको ढंग से समझना है तो क्या समझना है कि पहले तो ये 0/0 के अनिर्धारणीय रूप में चला जाए, उसके लिए क्या चाहिए? कि लॉग के अंदर 1 बनना चाहिए। जो लॉग के अंदर 1 बना रहा है, जो लॉग के अंदर 1 बना रहा है उसको आपको क्या करना पड़ेगा? उससे उसका ही जो जो आपका व्यंजक 1 बना रहा है उससे माइनस 1 करना पड़ेगा नीचे लाने के लिए, ठीक है। जैसे एक सवाल अपन और एग्जांपल में देखते हैं। मैंने कहा, मान लीजिए क्वेश्चन या एग्जांपल लेते हैं एक और, मैंने आपसे कहा लिमिट, और देखिए अब की बार मैं क्या करता हूं, मैं इसमें एक त्रिकोणमितीय सीमा भी लगाने की कोशिश करता हूं। देखो मैंने क्या कहा था, ऐसा नहीं है कि सीमा का सवाल जो होगा वो आपको अगर लगता है कि सर क्या ऐसे ही सवाल आईआईटी में आते हैं, तो मैं आपको बता दूं वो क्या करते हैं। वो लघुगुणक सीमा के अंदर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में फैक्टराइजेशन, ये सब लगाने की कोशिश करते हैं ताकि वो ये चाहते हैं वो एक सवाल जो है उससे उनको ये पता चले, हल करने के बाद अगर कोई बच्चा उसका सही उत्तर दे देता है तो उनको ये समझ में आ जाता है कि इस बच्चे को सीमा का इतने सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में नॉलेज है। तो ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं ये सिर्फ एक ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, अपन आंसर्स निकाल के आ रहे हैं और ऐसा कुछ हो रहा है। वो आपका जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं उन क्वेश्चनों को बहुत सोच समझ के इसलिए बनाया जाता है ताकि एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को वो मिक्स कर पाए, ताकि वो ये देख पाए कि बच्चे का रिकॉलिंग पावर कितना है, वो जल्दी कितना जल्दी याद कर लेता है और कितने सारे चैप्टरों की चीजें उसे याद है और उसका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। तो हम ये जो सवाल करते हैं, यहां जो हम सवाल कर रहे हैं अभी भी, वो किस लिए है? ताकि आप ऐसा ना हो कि बस लॉग का है तो बस लॉग सवाल करें, हम मिक्स करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे पीछे वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी लगातार रिवीजन में आते रहे, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक सवाल लिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और मैंने यहां पर दे दिया आपको ln cos x, ठीक है, अपॉन, और मैंने नीचे क्या दे दिया आपको x स्क्वायर दे दिया, ठीक, मैंने आपको दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और ln cos x और नीचे दे दिया मैंने x स्क्वायर। अब देखिए पहला काम तो वही कि क्या यह अनिर्धारणीय रूप है या नहीं है। अगर अनिर्धारण्य रूप होगा तभी तो अपन आगे बढ़ेंगे, वरना अगर दो ही काम हो सकते हैं अगर अनिर्धारण्य रूप नहीं हुआ तो, या तो इसका कोई निश्चित मान आ ही रहा होगा, आपने x का मान 0 डाला और मान लीजिए कोई निश्चित मान आ गया, बात खत्म हो गई। जैसे मान लीजिए यहां मैं x स्क्वायर माइनस 1 मान लेता तो आप एक्सटेंडिंग टू 0 डालते तो cos 0 कितना बनता? 1 बनता और ln 1 0 की ओर अग्रसित हो जाता, सही बात। और x स्क्वायर माइनस 1 में जब x का मान 0 डालते तो नीचे माइनस 1 बनता और 0/-1 यानी 0, तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाता? 0 आ जाता उस केस में। क्यों? क्योंकि अनिर्धारणीय रूप नहीं बना। और एक केस ऐसा भी हो सकता है कि जब आप x का मान 0 की तरफ ले जाएं तो ये ऐसा कुछ रूप में आ जाए जो अपरिभाषित हो। इसका मतलब हमारे पास उसके जो निकटवर्ती बिंदु हैं वो हमारे प्रांत में उपस्थित ही नहीं है।
तो आपको सबसे पहला काम लिमिट के सवालों में क्या करना है, उसका अनिर्धारणीय रूप को प्रैक्टिस करना है। और जैसे जैसे आप बार बार इसको करेंगे तो ये आपकी हैबिट में भी आ जाएगा और फटाफट आप जैसे ही सवाल देखते हैं आपके जहन में वो चमकने लग जाएगा कि ये अनिर्धारणीय रूप है, ये अपरिभाषित रूप है या ये कोई निश्चित रूप आ रहा है। ये आपको जैसे ही दिखने लग जाएगा, आप लिमिट के अंदर मान लीजिए कि आप 25% की जंग जीत चुके हैं। अब जैसे मैंने एक्सटेंडिंग टू जीरो डाला तो आपका कॉस शून्य कितना बना, वन बन गया। एलएन वन किसकी तरफ जा रहा है, शून्य की तरफ जा रहा है, बात खत्म हो गई। ये भी शून्य की तरफ ही जा रहा है तो ये जीरो बटे जीरो के रूप में आ गया। अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, सबसे पहले लॉग की लिमिट को यूज करना है तो लॉग के अंदर वन कौन बना रहा है, लॉग के अंदर वन कॉस एक्स बना रहा है। अब लॉग के अंदर अगर कॉस एक्स वन बना रहा है तो लॉग कहता है कि मैं अपनी स्टैंडर्ड लिमिट का इस्तेमाल तभी करूंगा जब मेरे अंदर वन बनाने वाला जो फलन है वो माइनस वन हो जाए, यानी मैं कहूंगा एल एन कॉस एक्स बटे में और यहां आ जाएगा कॉस एक्स माइनस वन। बोलो बात समझ में आई, ठीक है ना। जो कॉस एक्स था उसमें से माइनस वन कर दिया, अब देखो ये शून्य बटे शून्य का रूप बन गया और यह स्टैंडर्ड लिमिट में भी जाएगा इनटू। अब देखिए जब cos x माइनस वन आपने यहां लगाया तो cos x माइनस वन आपको यहां भी देना पड़ेगा ताकि हमारा जो व्यंजक है वो चेंज ना हो। अगर आपने कोई चीज नीचे हर में भाग लगाया है तो आपको अंश में उसको गुणा भी करना पड़ेगा क्योंकि मैथ्स के अंदर वो बैलेंस रहती है, ठीक है। अब यहां नीचे क्या आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर आ गया। देखिए ये जो व्यंजक है ये तो निश्चित तौर पर आपको क्या देने वाला है बेटा, वन देने वाला है। अच्छा ये देखिए वापस से वही आ गया जिसको मैंने जिस दिन आपको मैंने त्रिकोणमिति सीमा बताई थी, मैं उस दिन ही आपको ये बोला था कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है और ये बहुत सवालों में आता है। और हमने कल जो है कल की क्लास में इसकी डिटेलिंग भी करी थी। हमने क्या बोला था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो अगर वन माइनस कॉस एफ एक्स है डिवाइडेड बाय एफ एक्स का होल स्क्वायर होना चाहिए और ये एफ एक्स क्या होना चाहिए बेटा, ये एफ एक्स शून्य की तरफ अग्रसित होना चाहिए। तो नीचे एफ एक्स का होल स्क्वायर करने से हमें डायरेक्ट आंसर मिल रहा था, अभी देखो ये नीचे मिल गया सीधा और ये क्या है वन माइनस कॉस एक्स होता तो इसका आंसर एक बटे दो आता। इसका आंसर कितना आएगा अब, माइनस का एक बटे दो। ऐसे एक और अपन सवाल ट्राई करते बेटा, एग्जाम्पल लिया मान लीजिए मैंने, मैंने कहा कि आप ले लें ln लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो और मैंने कहा ln ऑफ 1 प्लस 3x अपॉन मैंने दे दिया ln ऑफ a की पावर x, ठीक है। ये अपना प्रश्न आया, फिर से वही कहानी क्या कि क्या मैं इसको अनिर्धारणीय रूप में ले जा रहा हूं तो एक्सटेंडिंग टू शून्य जब आप डालेंगे तो आपका 3x शून्य की तरफ जा रहा है तो 1 प्लस 3x किधर जा रहा है, एक की तरफ जा रहा है तो लॉग किधर जा रहा है, शून्य की तरफ जा रहा है तो निश्चित तौर पर ये शून्य है। और नीचे जब आप आओगे तो ये क्या बनेगा, ए की पावर शून्य की तरफ जा रहा है, ए की पावर एक्स में एक्स शून्य की तरफ जा रहा है तो ए की पावर एक्स वन की तरफ जाएगा और एलएन फिर से क्या बनेगा बेटा, शून्य की तरफ जाएगा तो ये शून्य बटे शून्य का रूप है। अब इसका अगर स्टैंडर्ड लिमिट का इस्तेमाल करना है तो अपन क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पर एलएन ऑफ वन प्लस थ्री एक्स और इसमें जो भी आए उससे माइनस वन, तो इसका मतलब नीचे कितना 3x इंटू ऊपर भी कितना लगा दो 3x, फिर यहां देखो क्या है ln of a की पावर x था, ठीक है। तो अब ये वन बन रहा था तो ऊपर क्या भेजना पड़ेगा इसको बचाने के लिए, a की पावर x माइनस वन भेजेंगे और नीचे भी क्या जाएगा बेटा, a की पावर x माइनस वन आ जाएगा। अब देखो ये वाला अवयव क्या बना, ये अवयव दे रहा है आपको वन, सही बात। फिर आपने कहा कि सर दूसरा अवयव देखते हैं, ये वाला क्या बन रहा है, ये वाला भी बन रहा है आपका वन, ये भी आपको वन देगा। और देखो तीसरा जो अपन बात कर रहे हैं वो कौन सा है कि आपका एक्स ए की पावर एक्स माइनस वन, ये बनेगा एलएनए और ये नीचे बनेगा एलएनए, ठीक है ना, हर में एलएनए बनेगा क्योंकि इस एक्स को अपन नीचे ला सकते तो ऊपर बचेगा थ्री, तो क्या बचा बेटा वन, ये दे रहा है इनटू एक वन और मिल रहा है, फिर ऊपर तीन बच रहा है और नीचे एलएनए आ रहा है तो आपका फाइनल आंसर आ गया थ्री अपॉन
ln a। ध्यान ये देना बच्चों कि ये जो x है बेटा, ये basically कहां जाएगा, यहां बन के x बनेगा और यहां ln a बनेगा। कई बार जल्दीबाजी में हमसे क्या गलती होती है कि हम ln a को ऊपर ही मान लेते हैं और आंसर लिख के आ जाते हैं 3 ln a। और आप तो ये जानते ही हैं कि बहुविकल्पी प्रश्नों के अंदर वो जो इतनी भी गलतियां हो सकती है, एक बच्चे से एक कॉन्सेप्चुअल गलती हो सकती है, आपसे कैलकुलेशन में जो गलती हो सकती है, उन गलतियों के होने के बाद जो उत्तर आने वाला है वो उत्तर भी वो ऑप्शन में डाल देते हैं ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे कंफ्यूज करें। और चूंकि वो एग्जाम का एक वातावरण होता है तो हमारे पास उतना वक्त भी नहीं होता कि हम एक बार वापस से रिवाइज कर लें, हम एक बार अपने क्वेश्चन को वापस से रीचेक करें। तो इस वजह से हम लोगों को यह ध्यान रखना है कि जो हमारी कैलकुलेशन है वो गलत ना हो। आप चाहें तो इस स्टेप पर मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, मैं आपको अगर थोड़ा कैलकुलेशन बचाने की बात करूंगा तो मैं चाहता तो एक स्टेप और एक्स्ट्रा लिख लेता। मैं बोलता लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये हो गया बेटा ln ऑफ 1 प्लस 3x अपॉन 3x, फिर इनटू यहां पर मैं लिखता a की पावर x माइनस 1 अपॉन ln ऑफ ax, a की पावर x इनटू, और फिर मैं इसको लिखता कितना कि ये आपके पास लिखा है 3 अपॉन a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। तो अब आप देखें क्या हुआ, ये वाला बन गया आपका 1, ये वाला बन गया आपका 1 इनटू 3 अपॉन ln a। तो आप चाहे तो एक स्टेप और बढ़ा करके लिख सकते हैं ताकि कैलकुलेशन में एरर ना हो। भाई अगर आप कंसेप्चुअली सारे सवाल कर गए और लास्ट में आपने कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिया तो भी आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जहां पर स्टेप की मार्किंग नहीं है। यहां पर तो डायरेक्टली क्या है, आपका उत्तर या तो सही होगा या आपका उत्तर गलत होगा। तो या तो आपको आंसर का 3 मार्क्स मिलेंगे या आपको -1 मिलने वाला है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन हमेशा बचा के चले, ठीक है।